जिस काम के लिए आए वो काम तो बना नहीं, एडमिशन तो हुआ नहीं। छोड़िए, हो जाएगा, काहे टेंशन ले। मॉर्निंग गाइस, सुबह के अभी 8 बजे है और अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ। सो गाइस, आज घर में कुछ करने को तो है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना कॉलेज जाके एडमिशन करा लूँ। मेरा मेरिट लिस्ट में नाम मिनिमम 2 से 3 डेज पहले ही आ चुका था और अभी तक मैं कॉलेज नहीं किया, तो मुझे डर है कि एडमिशन होगा या ना होगा। सो गाइस, कॉलेज चल के पता चलेगा। सबसे पहले फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद फिर कॉलेज चलते हैं, पता करते हैं क्या होता है क्या नहीं। संजय को भी मैंने कॉल कर चुका हूँ, अभी वो भी आते ही होगा रेडी होके। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, फाइनली मैं अब तैयार हो चुका हूँ कॉलेज जाने के लिए। सो गाइस, संजय आज नहीं आ पाएगा क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। सो मैं अभी प्रणव को बुला चुका हूँ। हाय गाइस, संजय की जगह आज प्रणव जाएगा। सो गाइस, चलिए चलते हैं। फाइनली अभी हम लोग टेम्पो से उतर चुके हैं। मैं मास्क लाना भूल गया था, तो एक मास्क खरीद लिया हूँ। तो गाइस, चलिए मास्क मैं खरीद चुका हूँ, आ जा भाई। तो गाइस, चलते हैं अब कॉलेज की तरफ। वैसे तो अभी यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ही दूर चलना पड़ेगा, बट कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं, अब गाड़ी तो है नहीं, अब पैदल ही चलते हैं, देखते हैं कब पहुँचते हैं। भाई ये भी है अभी साथ में, देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होने वाला है कॉलेज में। ये फर्स्ट टाइम जा रहा है हम लोग कॉलेज। सो गाइस, देखिए कितना अच्छा से यहाँ सजाया गया है। ये है गाइस मोदी पार्क, चलिए मैं आपको पार्क भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हिरन सजाया गया है, और आप देख सकते हैं अंकल काम भी कर रहे हैं वहाँ। गाइस आप लोग एक बार ये पार्क देख सकते हैं, कितना सुंदर दिख रहा है। इससे पहला जो मैं ब्लॉग बनाया था वो एक पहाड़ के ऊपर था, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। सो वो वीडियो मैंने कल बनाया था, और आज मेरे इतना ज़्यादा पैर दर्द दे रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये भी मेरे साथ किया था कल, तो आप इससे पूछ ही सकते हैं कि कितना किलोमीटर था वो मिनिमम। कम से कम 8 से 9 किलोमीटर वो था, 8 से 9 किलोमीटर गाइस। और जाते जाते तो हालत ही हम लोग ख़राब हो गया था, और आप देख भी सकते हैं वीडियो में कि रात कितना हो गया था, और हम लोग रात में ही पहाड़ से उतरे थे। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ये पिरामिड है जो कि हम लोग कॉलेज का थोड़ा ही सामने में है। ये अभी पूरा बन के तैयार हुआ नहीं, बट अभी बन ही रहा है, अभी तक पूरा बना नहीं है। अभी काफ़ी दिनों से ये काम चल रहा है और अभी तक गेट तक पहुँच चुके हैं, तो ये रहा गेट। सो गाइस, अभी हम लोग को और भी आगे जाना है, गेट इतना दूर है और आप देख सकते हैं गेट, और अभी हम लोग को और भी बहुत आगे तक जाना है क्योंकि गेट यहाँ बना हुआ है और कॉलेज इतना अंदर, जैसे कि हम लोग घर से टेम्पो स्टैंड उस तरह से बना हुआ है। सो गाइस, चलिए चलते हैं। ये रहा कॉलेज का मैदान जहाँ NCC होता है और बाकी सब गेम भी यहीं होता है। सो गाइस, देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा है ये। ये राहुल है, ये भी मेरा एक फ्रेंड है। भाई देख, हाय कर, लड़का को लाइक करे, शेयर करे, बहुत मेहनत कर रहा लड़का, गजब बेइज्जती है। गाइस हम लोग कॉलेज पहुंच चुके हैं, अब सर अभी बैठे हुए नहीं हैं, देखते हैं सर कब तक आते हैं, अभी तो हम लोग थोड़ा जल्दी ही कॉलेज आ चुके हैं। सो गाइस, यहाँ पे कुछ प्रवचन लिखे हुए, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और एक यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे तो मैं कॉलेज में पहली बार ही देख रहा हूँ, बट देखा तो मैं आपको भी दिखाई देता हूँ। अच्छे वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, लिखा हुआ है, यह महाविद्यालय आपका है, कृपया इसे स्वच्छ रखें। वैसे तो मैं स्वच्छ ही रखता हूँ, बट अब कोई और गंदा करता है तो मैं उसे क्या ही बोलूँ। 2 hours later गाइस, प्रणव पानी पी रहा है, ये भी आज मेरा साथ बहुत ज़्यादा ही थक चुका है,
तो गाइस ये भी बेचारा आज बहुत मेहनत किया है सुबह से आके आज, लेकिन काम नहीं बना। तो गाइस पानी पी के हम लोग जस्ट यहीं पे बैठे हुए हैं। जिस काम के लिए आए वो काम तो बना नहीं, एडमिशन तो हुआ नहीं, हो जाएगा, आई टेंशन ले। देखते हैं अब क्या होता है, ऐसा तो टेंशन ले नहीं रहा। क्या बोला तूने? बट अभी फिर दो दिन बाद कॉलेज बुलाया है, अब देखते हैं एडमिशन होता है कि नहीं। चांसेस तो है बट क्या पता क्या होगा अभी। A few moments later. एक जगह आलू चॉप और समोसा दे दे तो। Oh my God! Wow! नहीं खाना। गाइस प्रणव को भी भूख लग गया था और मैं भी खा रहा हूँ, मुझे ही बहुत जोर से भूख लगा सुबह से खाने के बाद, अभी हमें खाने का मौका मिल रहा है। सो गाइस खाते हैं पहले फिर चलते हैं घर की ओर। सो गाइस फाइनली हम लोग टेम्पो से उतर चुके हैं, अब हम लोग कुछ ही देर पर अपने घर पहुँच जाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि यार इतना मेहनत से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बनाने में कितना मेहनत लगता है वो हमें अभी पता चल रहा है। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। All right.